हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये हमारा कपड़ा सूती है कॉटन का, और ये हमने कपड़ा 1 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 16 इंच पर इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर हमें अपनी साइड में आधा इंच पर निशान लगा देना है काज और बटन की पट्टी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, तो 6 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हम गले की लंबाई 7 इंच लेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है। फिर हम शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है, जिसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हमें 6 इंच लेनी है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, और इस तरह से आर्मोल की गोलाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 40 इंच है, तो 40 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 इंच, और 20 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 इंच। तो 10 इंच पर हमें निशान लगाना है, और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। सीने का हमें चौथाई भाग लेना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 17 इंच आएगा, और 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं, और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले को लेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था, तो वहाँ से छोड़ के हम प्लेट की चौड़ाई 4.5 इंच लेंगे, और लंबाई में हमें 4 इंच लेना है। तो इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर लंबाई में 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच का यहाँ पर हमें गैप लेना है। तो इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच का यहाँ पर हमें गैप लेना है, और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। फिर हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप लेना है, और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमारे एक पल्ले में निशान लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल एक बराबर रख देना है, और यहाँ पर इस तरह से छापेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे दूसरी तरफ भी निशान लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से निशान लगा लेंगे, इससे हमारे निशान अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग और प्लेट का निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके बिछा देना है। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर
इस तरह से रखेंगे। जो हमने कांच पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन लिया था तो उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर नीचे से और साइड से हम सेम निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने यहाँ पर एक इंच पर निशान लगाया था तो पीछे वाले पल्ले पर हमें डेढ़ इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से आरमोल की गुलाई करेंगे। गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है 3 इंच। फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और गले की लंबाई नापेंगे तो यहाँ पर हमें गले की लंबाई 8 इंच लेनी है। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई करेंगे। यहाँ पर आप गले की लंबाई अपने हिसाब से ले सकती हैं कम ज़्यादा। फिर हम क्या करेंगे, नीचे से आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखेंगे और साइड से भी हमें आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है। तो इस तरह से निशान लगा देते हैं। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें चौड़ाई में 6 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। इससे हम इसी के बराबर दूसरी तरफ भी निशान लगा लें। तो यहाँ पर भी हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें पहले एक बार फोल्ड करना है, फिर इस तरह से दोबारा से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 4.5 इंच है जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 14 इंच है तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की चौड़ाई नापेंगे तो यहाँ पर हमें बाजू की चौड़ाई 8.5 इंच लेनी है। तो 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें बाजू की गुलाई कर देना है। और यहाँ पर हम दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें बी सेंटर पर एक कट लगा देना है। और यहाँ पर हमें 1/2 इंच की गहराई देनी है तो यहाँ पर कट लगा देंगे। ऐसा हमारा आगे की तरफ रहेगा। और इस तरह से बंद साइड की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कपड़े को लेंगे और तिरछे में और भी पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आगे वाले पल्ले को लेना है और इसमें पलेटे से लेंगे। जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी से लेंगे और जो बाकी 3 पलेटे हैं वो हमें 1/2 इंच चौड़ी सिल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक पल्ले में पलेटे सिल ली हैं। और दोस्तों सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी पलेटे सिली हैं।
तो सबसे पहले हम इस वाले पल्ले में बटन वाली पट्टी से लेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पल्ले में काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें एक डार्क सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डार्क सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर रखेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें दो पलेटें सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 40 इंच है। तो 40 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 20 इंच पर निशान लगाना है और कमर की चौड़ाई हमारी 34 इंच है। तो 34 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ से निशान लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पल्ले को बराबर करेंगे और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है। तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर पीछे की तरफ भी हमें निशान लगा देना है 14 इंच पर। और यहाँ पर जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है, देखिए पूरे में। तो अब हम क्या करेंगे, गले में पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पट्टी ली है तो इनको पहले इस तरह से सिल लेते हैं आपस में। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई को लगा दिया है। जो हमारी सिलाई है उसको हम इस तरह से फैला लेंगे, दोनों तरफ से प्रेस कर देना है।
अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को फोल्ड करके ऊपर से बराबर करेंगे और यहाँ पर हमें ब्लाउज को लेना है। सीधी तरफ से हम इस पट्टी को सिलेंगे फोल्ड करके, तो पूरे गले में हमें इस तरह से पट्टी को सिल लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसको ऊपर रखेंगे और जो हमने आधा इंच की पट्टी बाहर की तरफ रखी थी तो उसको फोल्ड करेंगे और एक बार और इस तरह से फोल्ड कर देना है और उसके बाद में ऊपर से सिलाई लगाएंगे। पहले हमें यहाँ पर दो तीन बार सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हम पाइपिंग को बनाते जाएंगे। ध्यान रखना है कि जो अभी हमने सिलाई लगाई थी उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई को लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी बिल्कुल गोल पाइपिंग बनेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है पूरे गले में और इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाजू को लिया है और इसमें हम सीधी तरफ से निशान लगाएंगे और जो हमने निशान लगाया है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी तरफ से हमें इस तरह से जितना हमने मार्जिन लिया था तो उतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में बाजू से लेंगे। तो जो हमने बाजू में कट लगाया था बी सेंटर पर, तो वो कट हमें शोल्डर के बीचों बीच रखना है और जो हमने साइड में कट लगाया है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखी बाजू को सिल लिया है। तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी है 14 इंच, तो 14 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।